अभी तक मैंने जितनी भी वीडियो को एडिट किया है या तो काइन मास्टर ऐप पे से एडिट किया है या फिर बीएन ऐप पे से एडिट किया है, लेकिन आज मैं एक वीडियो को एजेड स्क्रीन रिकॉर्डर ऐप पे से एडिट करने वाला हूँ। एजेड स्क्रीन रिकॉर्डर में वीडियो एडिट कैसे करें, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब जैसे ही आप अपना एजेड रिकॉर्डर ओपन करेंगे, आप इस वीडियो वाले पेज पर आ जाएंगे। यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो एजेड रिकॉर्डर से आपने जितने भी स्क्रीन शॉट लिए हैं वो आपको यहाँ पर दिखाई देंगे। यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप अपनी इमेज को एडिट कर सकते हैं, अपने वीडियो को एडिट कर सकते हैं। ध्यान से देखिए, यहाँ पे लिखा भी है एडिट वीडियो, तो मैं इस एडिट वीडियो वाले ऑप्शन पर क्लिक करता हूँ। अब यहाँ पर ऑल वीडियोज लिखा है, तो यहाँ पर देखिए टेलीग्राम कैमरा वीडियो डाउनलोड, तो अगर आपको वीडियो नहीं दिख रहे हो तो आप ऑल वीडियोज पर क्लिक कर देना, सारे वीडियोज आपको यहाँ पर दिखाई देने लगेंगे। अब मैं इस वीडियो को एडिट करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ। जैसे ही मैंने क्लिक किया, आप यहां पर देख सकते हैं ऐड वन, मतलब एक वीडियो एडिट के लिए रेडी हो गया है। अगर आप दो वीडियो को एडिट करना चाहते हैं तो दूसरे वीडियो पर भी क्लिक कीजिए, यहां पे ऐड टू लिखा दिखाई देगा। फिलहाल अभी मैं एक ही वीडियो को एडिट करता हूं, तो ऐड वन लिखा है, मैं यहां पर क्लिक करता हूं। वीडियो एडिट करने के पहले आपको तीन इंपॉर्टेंट काम करने हैं। देखिए यहाँ पर लिखा है 1080p, तो आपको यहाँ पर क्लिक करना है। यहाँ पर सबसे घटिया क्वालिटी है 240p और सबसे अच्छी क्वालिटी है 1080p, तो यहाँ पे 240p ऑलरेडी सेट रहता है, तो आपको 1080p पर क्लिक कर देना है। अब आपका वीडियो HD क्वालिटी में रिकॉर्ड होगा और HD क्वालिटी में सेव होगा, इसलिए 1080p ज़रूर कर लेना। यहाँ फ्रेम रेट आपको 30 कर देना है और यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। अब दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ आपको क्या करनी है, आप जैसे मैं YouTube के लिए वीडियो बना रहा हूँ, हो सकता है आप Facebook के लिए वीडियो बना रहे हो या Instagram के लिए वीडियो बना रहे हो, तो यहाँ नीचे देखिए आप, यहाँ कट म्यूजिक टेक्स्ट स्टीकर ये सब अभी हम समझेंगे। अब यहाँ पे रेसो का ऑप्शन दिखेगा, तो रेसो पर आप क्लिक कर दीजिएगा। अब मैं YouTube शॉर्ट्स के लिए वीडियो बना रहा हूँ तो मैं यहाँ 9:16 लूँगा। आप Instagram के लिए बना रहे तो 1:1 ले लेना, उसके बाद इस राइट पर जरूर क्लिक कर देना। अब तीसरा इंपॉर्टेंट काम आपको क्या करना है, यहाँ पे आप ध्यान से देखिए एजेड रिकॉर्डर का वॉटर मार्क आपको दिखाई दे रहा है, तो इसको आपको रिमूव करना पड़ेगा, नहीं तो काइन मास्टर की तरह इसमें भी आपको वॉटर मार्क दिखाई देगा। तो इसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ क्रॉस का ऑप्शन बनेगा, क्रॉस पर आप क्लिक कीजिए। यहाँ पे आपसे दो क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो हम वॉच ऐड टू अनलॉक पर क्लिक करते हैं। जैसे ही मैंने क्लिक किया, यहाँ पर आप देख सकते हैं एक ऐड आई है, इसे आपको कंप्लीट देखना है, मतलब शुरू से एंड तक वॉच करना है। यहाँ लिखा है रिवार्ड इन 14 सेकेंड, जैसे ही 14 सेकेंड खत्म होंगे वॉटर मार्क हमारा हट जाएगा। तो 4 सेकेंड बचे हैं, 3, 2, 1। अब जैसे ही 1 सेकेंड खत्म होगा यहाँ पर लिखा आएगा रिवार्ड ग्रांटेड, तो यहाँ पे इस ऐप पे को डाउनलोड करने बोल रहा है, तो आपको क्रॉस कर देना है। आप यहाँ पर देख सकते हैं जैसे मैंने क्रॉस किया वॉटर मार्क रिमूव हो गया। अब मैं आपको फाइनली बता रहा हूँ एजेड स्क्रीन रिकॉर्डर में वीडियो एडिट कैसे करें। उसके पहले आप ध्यान से देख लिए वीडियो कितने सेकेंड का है, सिर्फ 11 सेकेंड का है। मैंने इसलिए आपको बताया ताकि आपको आगे का वीडियो समझ में आए, अभी 11 सेकेंड का वीडियो है। फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं शुरू के 2 सेकेंड कट करना चाहता हूँ, तो यहाँ पर आपको कट का ऑप्शन मिलेगा, कट पर आप क्लिक कीजिए। देखिए 11 सेकंड का वीडियो है, तो आपको शुरू के 2 सेकंड नहीं चाहिए ना, तो आपको क्या करना है, यहाँ इसको पकड़ना है और यहाँ पे देखिए आपको 2 सेकंड पे इसे सेट कर देना है। 2 सेकंड पे आपको प्रॉपर सेट कर लेना है। प्रॉपर सेट करने के बाद आपको राइट पर क्लिक करना है। जैसे ही हमने राइट पर क्लिक किया, देखिए वीडियो 11 सेकेंड का था, अब 9 सेकेंड का है, शुरू का 2 भाग कट गए। इसी तरीके से आपको फिर कट पे क्लिक करना है। अब आपको लास्ट के 2 सेकेंड नहीं चाहिए, तो इसको पकड़ के आप 9 सेकेंड पे सेट कर लीजिएगा, क्योंकि 11 सेकेंड की हमारी वीडियो है। उसके बाद आप राइट पे क्लिक कर दीजिएगा। देखिए स्टार्टिंग के 2 सेकेंड कट गए, लास्ट के 2 सेकेंड कट गए, 11 सेकेंड की वीडियो थी, 4 सेकेंड कट गए, तो 7 सेकेंड की वीडियो बची। अब आपको 20 से कट करना है, तो आपको कट पे क्लिक करना है और यहाँ पे रिमूव मिडिल का ऑप्शन आता है, तो अब आप अपनी वीडियो को 20 से भी कट कर सकते हैं। जैसे मुझे 7 सेकंड के वीडियो में 3 से 4 सेकंड वाला भाग नहीं चाहिए, तो आप ये कट कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, तभी आपको ये चलाना आएगा। उसके बाद आपको राइट पे क्लिक कर देना है। कोई म्यूजिक ऐड करना चाहते हैं तो आप इस म्यूजिक पे क्लिक कीजिए, इस प्लस पे क्लिक कीजिए, तो आपके फ़ोन पे जितनी भी म्यूजिक है वो यहाँ पे दिखाई देगी। अगर आपको म्यूजिक सुनना है तो इस प्ले बटन पे क्लिक करना है,
ऐड करना है तो इस प्लस वाले आइकॉन पे क्लिक करना है। जैसे मैं प्लस वाले आइकॉन पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे आपको कुछ सेटिंग मिले, म्यूजिक कितनी लंबी है 1 मिनट 52 सेकंड और हमारे वीडियो की लेंथ सिर्फ 11 सेकंड है, तो आपको इसे 11 सेकंड पे सेट कर लेना है। अब म्यूजिक का वॉल्यूम आपको कितना रखना है, हो सकता है कि आपका आवाज़ ही सुनाई ना दे, इसलिए आपको यहाँ पे सेट कर लेना है। अभी मैं इसे फुल पर ही रख देता हूँ। लूप म्यूजिक को आप ऑन करेंगे तो इसका ये फ़ायदा है, जैसे ही आपका 11 सेकंड का वीडियो ख़त्म हो जाएगा, अगर कोई और आप वीडियो ऐड करते हैं तो ये म्यूजिक ख़त्म होने के बाद वापस से चालू हो जाएगी। इसके बाद आपको कन्फर्म पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वीडियो के साथ हमारी म्यूजिक ऐड हो गई है। अब आपको इस राइट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। कोई टेक्स्ट ऐड करना चाहते हैं तो इस टेक्स्ट पर क्लिक कीजिए, इस प्लस पर क्लिक कीजिए। अब जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सब्सक्राइब, मैंने सब्सक्राइब लिखा और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। अब यहाँ पर आपको बहुत सारे फ़ॉन्ट दिखाई दे रहे होंगे, तो जैसे मैं ये वाला फ़ॉन्ट ले लेता हूँ और आपको इसे बड़ा करना है तो इसे आप पकड़ के खींचिए, देखिए रोटेट भी हो जाएगा, आप जितना भी रोटेट करना चाहते हैं, साइज आप बड़ा छोटा करना चाहे तो यहीं से कर सकते हैं। अब इसका आपको कलर चेंज करना है तो यहाँ पर क्लिक कीजिए, ये इतने सारे कलर आपको मिल जाएंगे, तो मैं रेड पर क्लिक करता हूँ। तो ध्यान से देखिए हमारा जो टेक्स्ट है वो रेड हो गया। इसकी ओपेसिटी भी आप कम ज़्यादा कर सकते हैं, देखिए रेड कम ज़्यादा कलर में दिखाई दे रहा है। अब आपको कोई इमेज ऐड करना है, कोई स्टिकर ऐड करना है तो स्टिकर पर आप क्लिक कीजिए, प्लस पे क्लिक कीजिए। यहाँ पे इमेज भी ऐड कर सकते हैं, स्टिकर भी ऐड कर सकते हैं। पहले हम इमेज ले लेते हैं, तो मैं इस इमेज पे क्लिक करता हूँ और कोई भी एक इमेज ले लेता हूँ। तो इसको आप बड़ा छोटा कर सकते हैं और इसको आप रोटेट भी कर सकते हैं, जैसा कि मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया। और इसके बाद इस इमेज को आपको कहाँ तक रखना है, तो आपको क्या करना है, पूरे वीडियो में रखना है। तो आपको क्या करना है, इसको पकड़ के कुछ इस तरीके से खींच देना है, तो ये पूरे वीडियो में ये वाला इमेज रहेगा। उसके बाद आपको राइट पे क्लिक करना है। इसी तरीके से आप स्टिकर ऐड कर सकते हैं, यहाँ पे प्लस पे क्लिक कीजिए, स्टिकर पे आप क्लिक कीजिए, कोई भी एक स्टिकर ले लीजिए और इसे भी आप सेट कर सकते हैं। सेट करने के लिए आपको इसे पकड़ना है और जहाँ भी आप रखना चाहें, जैसे मैं यहाँ पैरों के पास रख देता हूँ और राइट पर क्लिक कर देता हूँ। अब आपको अपने वीडियो को क्रॉप करना है, जैसे ये जो बिजनेस सशक्तिकरण है ये आपको नहीं दिखाना है, तो क्रॉप पे क्लिक कीजिए। क्रॉप पे क्लिक करने के बाद आप इसको चारों तरफ से कट कर सकते हैं, जैसे ये ऊपर से मैंने कट किया, नीचे से आप पैर भी कट कर सकते हैं, साइड से भी कट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैं चारों तरफ से इसको कट कर सकता हूँ। उसके बाद आपको राइट पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको बैकग्राउंड, अगर आप इसके वीडियो के पीछे कोई बैकग्राउंड लेना चाहते हैं तो आपको इस बैकग्राउंड पे क्लिक करना है। जैसे मैं रेड जैसे ही क्लिक करूंगा, वीडियो के पीछे देखिए एक अच्छा सा बैकग्राउंड आ जाएगा, देखिए कुछ इस तरीके का बैकग्राउंड आ जाएगा। राइट पे क्लिक कर दीजिए। रेशो मैं आपको बता ही चुका हूँ, अब मैं यूट्यूब शॉर्ट्स के लिए वीडियो बना रहा हूँ तो 9:16 मैंने 16 लिया है, ये पहले ही कर लीजिएगा। अब जैसे 5 सेकेंड का हमारे पास वीडियो बचा है, तो आप इस स्पीड पे क्लिक करके अगर आप इस वीडियो की स्पीड आप बढ़ाना चाहते हैं, अभी देखिए ये नॉर्मल स्पीड पे है, 1.0x से लिखा है, दोगुनी स्पीड में करना चाहते हैं तो 2.0 पर सेट कर लीजिए और राइट पे क्लिक कीजिए, तो आपका जो वीडियो है वो दुगनी गति से दौड़ेगा। रोटेट करना चाहते हैं तो रोटेट पर क्लिक कीजिए, ये देखिए 90 डिग्री रोटेट होता है। कैप्चर, अगर आप कोई फ़ोटो लेना चाहते हैं तो इस कैप्चर पे क्लिक कीजिए, जैसे कैप्चर पे क्लिक करेंगे तो आपको फ़ोटो इसकी एक बन जाएगी। यहाँ से शेयर कर सकते हैं, क्रॉप कर सकते हैं, यहाँ से डिलीट कर सकते हैं। अभी मैं इसको डिलीट कर देता हूँ और यस पे क्लिक कर दे। कोई और वीडियो को ऐड करना चाहते हैं तो इस प्लस वाले आइकॉन पर क्लिक कीजिए और यहाँ से आप कोई भी एक वीडियो ऐड कर सकते हैं। अब इसको हम एक्सपोर्ट कैसे करें, मतलब गैलरी में सेव कैसे करें, तो यहाँ पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये होगा एक्सपोर्टिंग, और जैसे यहाँ पे 100% हो जाएगा आपका वीडियो आपको गैलरी में मिल जाएगा। देखिए हमारा वीडियो एक्सपोर्ट हो गया है, यानी गैलरी में सेव हो गया है, तो आप यूट्यूब पे शेयर कर सकते हैं ब्लूटूथ से, और यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो इंस्टाग्राम ट्विटर सब जगह इसको शेयर कर सकते हैं यहीं से। तो आज की इस वीडियो में मैंने आपको बताया AZ स्क्रीन रिकॉर्डर में वीडियो एडिट कैसे करें। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक कर जरूर जाए और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर जरूर प्रेस कीजिए।